ये देखिए इसका प्रेस तुनी है, देख रहे हैं इतना क्रिस्पी है, इतना यम्मी है। और इसकी आवाज देखिए, और देखिए कतई बिल्कुल टूटकर, ये देखिए। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा में। गाइस देखिए, अब होली का टाइम बिल्कुल पास में आ गया है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि आप पुराने तरीके से चिप्स काट कर बॉयल करके बनाएं। तो एक नया तरीका हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं, चलिए देखते हैं। ये हमने कुछ आलू ले लिए हैं जिनको हम ले लेंगे छील, ठीक है। इसमें ना उबालना है ना सुखाना है, बस फटाफट चिप्स तैयार हो जाएंगे 5 मिनट में। तो ये देख सकते हैं गाइस, और बच्चों को भी बहुत पसंद आने वाले हैं। तो देखिए इस तरह से आलू को हम छील लेंगे पीलर की सहायता से, और इस तरह से हम पानी में ऐड कर देंगे। तो इसी तरह से सारे आलू हमने छील लिए हैं और पानी में ऐड कर दिए हैं, ये देख सकते हैं गाइस। अब इनको हम धुल कर अच्छे से कपड़े से लेंगे पोंछ। ये देखिए हमने किचन टावल ली है, इससे हम पोंछ लेंगे। आप टिश्यू पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम इसी तरह से सारे आलू पोंछ पोंछ के हम अलग रखते जाएंगे इस तरह से, और इसी तरह से सारे आलू पोंछेंगे। और गाइस आगे देखिए, ये चिप्स तो बहुत टेस्टी, बहुत यमी, जो आप हवा वाले पैकेट खरीदते हैं चिप्स वाले, उनसे तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। क्योंकि आप 10 रुपये का, 5 रुपये 10 रुपये का पैकेट लेते हैं, उसमें 4 चिप्स होते हैं, एक आलू के भी चिप्स नहीं होते हैं उसमें, ठीक है। तो हम आज एक आलू से बहुत सारे चिप्स बनाकर दिखाएंगे। तो इस तरह से देखिए, अपने स्लाइडर से स्लाइड करके हम चिप्स कट कर लेंगे। ये देख सकते हैं, जितना बारीक आप कर पाएँ उतना बारीक इसको कट करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, और ये चिप्स डिज़ाइन वाले भी नहीं बनते हैं, इनको प्लेन ही बनाएं जिससे कि अच्छे से क्रिस्प बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम किचन टावल लेंगे और अपनी चिप्सों की स्लाइस को ऐसे बिखेरेंगे, अच्छे से एक एक बिखेर देंगे, जिससे कि पोंछने में आसानी रहे। इसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल तो नहीं सूखेंगे, मगर हाँ कपड़े से अच्छे से मॉइस्ट पोंछ देना है। तो देख सकते हैं आप मॉइस्चर कितने, ऐसे करके किचन टावल से या आप टिश्यू पेपर दोनों से ले करके पोंछ सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने सारा के सारा पोंछ लिया है अच्छे से। और अब देखना है, क्योंकि देखिए गाइस, इसलिए पोंछना ज़रूरी है ना कि अगर आप ऑयल में इसको डालेंगे, फ्राई करेंगे, तो एकदम से ऑयल में डालते ही छींटे ना पड़े आपके ऊपर, इसलिए आपको ये काम करना है। तो ये देखिए, उधर जब तक सूख रहा है तब तक हम इधर एक सॉल्यूशन बना लेते हैं। हमने ले लिया है 2 स्पून के करीब पानी और 1 स्पून के करीब नमक। तो ये हमने घोल तैयार कर लिया है, इसको घोल के। तो देखिए इसको हमें करना भी क्या है, ये देखिए गाइस, हमने अपनी पैन चढ़ा लिया है पहले ही, तो इसमें अच्छे से हीट आ रही है, बहुत ज़्यादा धुएँदार हीट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए हाई फ्लेम पर। तो ये देखिए, अब हम इस तरह से करके चिप्स को फ्राई करेंगे। अभी जाइएगा नहीं, लास्ट में एक ट्रिक बताएंगे। इसमें हमने नमक नहीं ऐड किया है, मगर लास्ट में दिखाएंगे कि इसमें नमकीन स्वाद भी आ जाएगा, आपको दिक्कत भी नहीं करेगा, बहुत टेस्टी बनेंगे। तो ये देखिएगा इस तरह से हम फ्राई करेंगे, उलटते पलटते फ्राई कर लेंगे, लेकिन इसकी हाई फ्लेम रहनी चाहिए। देखिए ये हमारे 80% कुक हो चुके हैं, ठीक है, 80% कुक हो चुके हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे वही सॉल्यूशन जो पानी का हमने बना के रखा था, उसमें 2 बूंद हम सिर्फ ऐड करेंगे ऑयल में अपने, ठीक है। तो इस समय पानी जब हम, नमक वाला पानी जब हम ऐड करेंगे ऑयल में, तो आप लोग थोड़ा सा कढ़ाई से दूर हो जाएं पैन से, क्योंकि इसमें छींटे आएंगे ऊपर, तो हो सकता है आपके ऊपर आ जाएँ, इसलिए आप दूर ही रह करके देखें। और जब इसमें बबल्स आना बंद हो जाए, देखिए बबल्स आना बंद हो चुके हैं, तो अपने निकाल लेंगे। तो ये देख सकते हैं कितने क्रिस्पी बनकर तैयार है हमारे चिप्स। एक बात और गाइस, कि अगर आप मोटे रखेंगे तो इसमें देखिए कोई स्लाइस थोड़ा सा रेड हो गया है, तो अगर मोटे रखेंगे तो वो रेड हो जाएंगे, तो मोटे नहीं रखना है, ठीक है, पतला ही रखना है। तो ये देखिए हमारा सारा हल्का फुल्के से चिप्स तैयार हो चुके हैं, बिल्कुल बिना उबाले बिना सुखाए एकदम यम्मी से बन करके तैयार हुए हैं। तो ये देख सकते हैं गाइस, ये देखिए इसका प्रेस तुनी है, देख रहे हैं इतना क्रिस्पी है, इतना यम्मी है। और देखिएगा इसकी आवाज देखिए, और देखिए कतई बिल्कुल टूटकर, ये देखिए। तो आज की हमारी ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, देखिएगा ये भी देखिएगा,
बिल्कुल चूर चूर हो रहा है। इस तरह से चिप्स बन करके तैयार होंगे हमारे। तो प्लीज अगर रेसिपी अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय।